नीतीश कुमार राहुल गांधी और खड़गे को रिसीव करने एयरपोर्ट क्यों गए इसके क्या मायने हैं इसके क्या अर्थ निकाले जाएं? देश के बड़े बड़े नेता कल बिहार आए थे बिहार की राजधानी पटना में आए थे विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने के लिए आए थे लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए खुद बिहार के मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयरपोर्ट गए वही नीतीश कुमार जो इस विपक्षी एकता की बैठक के कर्ता धरता थे आयोजक थे इसकी वजह क्या है इसके मायने क्या है देखिए राजनीति प्रतीकों और संकेतों के साथ चलती है नीतीश कुमार बिहार ही नहीं देश की राजनीति के कैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें है प्रतीकों संकेतों की राजनीति करने वाला नेता माना जाता रहा है यही वजह है कि नीतीश कुमार हमेशा राजनीति में कामयाब होते रहे हैं बिहार में पिछले 18-20 सालों से सरकार चाहे जिस किसी गठबंधन की बने सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं ये यूं ही नहीं कहा जाता है नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी भी हैं घाक खिलाड़ी भी हैं चतुर खिलाड़ी भी हैं वजह क्या रही कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करने जाना दरअसल आपको हम बता दें कि बिहार की राजनीति में जो भी क्षेत्रीय दल हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आर हो इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो दूसरे गठबंधनों में भी है चिराग पासवान की पार्टी है पशुपति कुमार पारस की पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के बीच में से कांग्रेस का सबसे अच्छा सबसे मजबूत सबसे गहरा और सबसे प्रगाढ़ रिश्ता किसी के साथ है तो वो आर के साथ है जी हाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं कोई गठबंधन में दो दल होते हैं लेकिन आर और कांग्रेस को मित्र दल कहा जाता है बीच बीच में कई बार समस्याएं आई हैं एक दो बार वो अलग अलग चुनाव भी लड़े हैं इसके बावजूद आर और कांग्रेस मजबूती के साथ सदै एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं लालू प्रसाद यादव का परिवार लालू परिवार या गांधी परिवार हो दोनों के बीच रिश्ते भी एक दौर में बड़े मजबूत हुआ करते थे जबकि जनता दल यूनाइटेड के साथ ऐसा नहीं है नीतीश कुमार को अगर केंद्रीय राजनीति में आगे बढ़ना है तो कांग्रेस का आशीर्वाद उन पर बहुत जरूरी होता है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है इस देश की और कम्युनिकेशन गैप है नीतीश कुमार राहुल गांधी के बीच कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो रिश्ते कांग्रेस और राजद के बीच हैं वैसे रिश्ते कांग्रेस और जेडीयू के बीच नहीं है क्योंकि जेडीयू पहले से कई बार बीजेपी के साथ रही है वो कांग्रेस के विरोध में रहे हैं ऐसी स्थिति में कांग्रेस और जे के बीच रिश्ते सहज हो इसके लिए नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रिसीव किया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव किया नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं वो जानते हैं कि बिना कांग्रेस के कुछ होना जाना नहीं है नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा तो है ही भले उनकी पार्टी के बड़े नेता कहे कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है खुद नीतीश कुमार भी कहते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं लेकिन राजनीति में होने वाला हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है वह जिसके साथ रहेगी उसकी स्थिति मजबूत होगी नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस राजद भाजपा जदयू जब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ हुआ करते थे और यूपीए की सरकार बनी थी 2004 में तो तीन तीन कैबिनेट मंत्री और नौ राज्य मंत्री बारह बारह मंत्री आरजेडी के हुआ करते थे केंद्र की सरकार में जबकि नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी थे और नरेंद्र मोदी की सरकार में सिर्फ एक मंत्रालय उनको मिला था इसी वजह से रिश्ते भी दोनों की तरफ से टूटे थे रिश्ते कमजोर हुए थे इस वजह से तो नीतीश कुमार समझते हैं कि कांग्रेस के साथ रहना कितना फायदेमंद है लिहाजा वो कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो कम्युनिकेशन गैप है संवादहीनता उसको समाप्त करने के लिए वो स्वयं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करने गए थे आपको क्या लगता है इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे धन्यवाद